खबर बुहानी गाडरवारा से। स्वामी सदा शिव नित्यानंद गिरी महाराज का नरसिंहपुर जिले की ग्राम पंचायत बुहानी स्थित खेरापति मंदिर में हुआ आगमन। महाराज श्री ने जनता जनार्दन को दिए विभिन्न उपदेश। मनुष्य को जीवन में सत्संग से ही विवेक जागता है। स्वामी नित्यानंद गिरी क्षेत्रवासियों से लिया नशा मुक्ति गौ सेवा का संकल्प। कहा, गृहस्थों के लिए आदर्श शिव परिवार। गाडरवारा समीपस्थ ग्राम बुहानी में अल्प प्रवास पर ऋषिकेश कैलाश आश्रम से आए पूज्य स्वामी नित्यानंद गिरी जी महाराज का आगमन हुआ, जहां स्वामी नित्यानंद गिरी महाराज के मुखारबिंद से रात्रिकालीन सत्संग का ग्रामवासियों को सौभाग्य प्राप्त हुआ, जहां श्री स्वामी महाराज ने राम एवं निषाद राज के भक्त और भगवान का चरित्र का वर्णन करते हुए स्वामी के निर्विकार भक्त की संज्ञा दी। साथ ही उन्होंने शिव परिवार का वर्णन करते हुए एक आम जीवन परिवार में किस प्रकार से रिश्ते बने रहते हैं और घर के मुखिया की क्या भूमिका व प्रेम भाव कैसा होना चाहिए, वही सभी गृहस्थजनों के लिए आदर्श शिव परिवार से सीखने के उपदेश दिए। मीडिया से बात करते हुए महाराज श्री ने क्षेत्रवासियों ने नशा मुक्ति गौ सेवा का भी संकल्प लिया। सत्संग का आयोजन खेड़ापति मंदिर बोहाने स्थित दिनेश शर्मा के निवास पर हुआ, जहां धर्ममय माहौल बना रहा। इस अवसर पर ग्राम के सभी श्रद्धालुजन मातृशक्ति ने श्री महाराज के श्री मुखारबंद से सार गर्भित श्रावण कथा सुनकर एवं आरती कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आप लोगों ने बुलाया है, बहुत अच्छा लगा। हमारा तो घर है बुहानी, आते जाते चले जाते हैं। कभी पोहा पोहा से पोहा हल्का होता था, उनके सब थोड़ा भारी हो गया। और सत्संग हो जाता है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। क्योंकि वहां से पहले आए थे रमिया पोहा का, एक साल पहले जमुना की नहरे मुसीबत नहीं है कहो कृष्ण शाम का दीवाना सारा ब्रज शाम का दीवाना तो सारा ब्रज भारतवर्ष के लिए बुहानी गाडरवारा से ब्रजेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।